नमस्ते, मैं हूं सौरभ राजपाल और मैं एक वेब इकोसिस्टम कंसल्टेंट हूं गूगल में। मेरा मेन काम है मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज को एशिया पैसिफिक मार्केट में अडॉप्ट करवाना, और इसके लिए मैं काफी नामी और बड़ी कंपनियों के साथ काम करता हूं ताकि वो एक दुरुस्त यूजर एक्सपीरियंस वाली फास्ट वेबसाइट बना सके जिससे उनका बिजनेस भी बढ़े और उनके कस्टमर्स भी खुश रहे। अगर आप एक वेब कंसल्टेंट हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि कभी किसी डेवलपर ने आपसे ये ना पूछा हो कि भाई कौन सा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सबसे बढ़िया है एक अच्छी सी वेबसाइट बनाने के लिए। क्यों, आपके मन में भी उठता है ना ये सवाल? और इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर विस्तार में बात करूंगा, वो भी हिंदी में, और हम देखेंगे अलग अलग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स को, उनके मार्केट शेयर्स को, और एनालाइज भी करेंगे कि कौन कितने पानी में है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और इसके लिए मैं कोर वेब वाइटल्स की मैट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा। एक और बात, मैं आज जो भी बातें करूंगा वो ज्यादातर डेटा और रिसर्च बेस्ड है, और इसमें काफी कुछ जानकारी आपको पब्लिकली अवेलेबल डेटा और टूल से भी मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि इसको अच्छे से समझना काफी जरूरी है किसी भी वेबसाइट डेवलपर के अच्छे नॉलेज के लिए। HTML और CSS की तरह जावास्क्रिप्ट भी एक बहुमूल्य स्तंभ है किसी भी वेबसाइट के लिए, और अच्छी बात यह है कि अब ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। ये अब एक सिर्फ क्लाइंट साइट पर यूज होने वाली आम लैंग्वेज नहीं रहा है, ये अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज होता है, और इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, आमतौर पर एक वेब पेज पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल HTML से तकरीबन 14 गुना और CSS से तकरीबन 6 गुना ज्यादा होता है। अब कई लोगों को ये बात काफी आम लग रही होगी, क्योंकि ज्यादातर साइट पर जो भी काम होता है उसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता ही है। पर दोस्तों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं, क्या सिर्फ इसकी डाउनलोडिंग कॉस्ट को ही जानना हमारे लिए काफी है, और क्या हम जानते हैं कि इसको सही से इस्तेमाल ना करने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ सोच विचार पे मजबूर करने वाले नंबर्स पर। सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर की साइट्स में जावास्क्रिप्ट के यूसेज का परसेंटेज साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, चाहे फिर वो डेस्कटॉप के लिए हो या फिर मोबाइल के लिए। एक और बात जो चौंका देने वाली है, जावास्क्रिप्ट का साइज दोनों ही डेस्कटॉप और फोन पर तकरीबन बराबर ही है, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ज्यादातर फोन डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं आ सकते। तो दोस्तों, है ना ये सोचने वाली बात, जैसे जैसे मोबाइल के यूजर्स दिन भर दिन दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग शायद वेबसाइट्स को और स्लो करते जा रहे हैं, जो कि दोनों ही आपके ग्राहकों और बिजनेसेस के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइट्स को आज के हिसाब से एडवांस बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा जावास्क्रिप्ट लग रहा होगा, तो ये देखिए, तकरीबन 37% जावास्क्रिप्ट ऐसी भेजी जाती है जो साइट पर कभी यूज भी नहीं होती। बताइए, तो बेसिकली आपने ना सिर्फ इन एक्स्ट्रा बाइट्स को नेटवर्क पर भेजने में अपना वक्त और डेटा बर्बाद किया, साथ ही में जो काम पेज के मेन थ्रेड पर कुछ ढंग के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि HTML को पेंट कर लिया जाता या CSS के रूल्स को लगा दिया जाता, वो आपने इस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करने में बर्बाद कर दिया। और यूजर्स को क्या मिला, एक ऐसी साइट जो कि ना ही सिर्फ स्लो लोड होती है, पर लोड होने पर शायद ढंग से रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक एवरेज नंबर था जो मैंने आपको बताया। कुछ साइट्स पर तो ये नंबर इतना हाई होता है कि उनकी साइट इतनी स्लो और अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है कि यूजर के पास उस टैब को बंद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। आखिर 4G का जमाना है भाई, हम सब में इतना सब्र कहां। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं दुनिया के टॉप JS फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के डिस्ट्रीब्यूशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, jQuery का डोमिनेशन बरकरार है, और ये परसेंटेज 2019 में भी कुछ इसी तरीके का था। देखा जाए तो टॉप की 10 में से 6 लाइब्रेरीज में jQuery को यूज किया जाता है, यानी कि कितने आए और कितने गए, पर jQuery ने अपनी गद्दी बिल्कुल नहीं छोड़ी। वैसे इस 83% मार्केट शेयर का काफी बड़ा रीजन ये भी है कि WordPress, जो कि 30% से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर इस्तेमाल होता है, उसमें jQuery पहले से ही बाय डिफॉल्ट होता है, और jQuery से आमतौर पर किसी भी नई क्लाइंट साइड लाइब्रेरी पर माइग्रेट करने में
काफी मेहनत और समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन का साइज क्या है। एक्चुअली में कई साइट जो नई क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को यूज भी कर रही होती हैं, वो फिर भी jQuery या फिर jQuery से बने प्लगइन्स का कुछ ना कुछ पोर्शन यूज कर ही रही होती हैं, जैसे कि आप बाई ओर की फोटो में भी देख सकते हैं। एक्चुअली में काफी सारी साइट्स जो कि आजकल के काफी पॉपुलर और मॉडर्न वेब फ्रेमवर्क्स को यूज करती हैं, वो भी या तो माइग्रेशन के चलते या फिर थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट की वजह से jQuery से पीछा नहीं छुड़ा पाती। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है कि इन कॉम्बिनेशन की वजह से कोड साइज भी बढ़ता है, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट भी बढ़ती है, प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ता है और आपकी साइट को स्लो लोड करते हुए देखकर यूजर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। खैर, जोक्स असाइड, ये एक काफी बड़ा इशू है और हमें अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये सब मोबाइल फर्स्ट यूजर्स को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। एक मीडियम डेस्कटॉप साइट जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करने में तकरीबन 900 मिलीसेकंड मेन थ्रेड पर बिताती है। वहीं पर एक मीडियम मोबाइल साइट तकरीबन 1900 मिलीसेकंड लगाती है, यानी कि दो गुना टाइम। यही नंबर्स 90th परसेंटाइल में तकरीबन तीन गुना हो जाते हैं, जो कि अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए तो काफी ज्यादा है। हमें कुछ देर पहले ही थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट की बात भी करी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात पर थोड़ा सा और जोर डालना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स के ज्यादा इस्तेमाल से ना ही आप सिर्फ अपने कोड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने का कंट्रोल खोते हैं, आप अपने आप को किसी ना किसी तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से भी इंपैक्ट होने के दरवाजे खोलते हैं। डेटा की मानी जाए तो 83% मोबाइल पेजेस में एक ना एक वल्नरेबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी पाई जाती है, और इसमें से ज्यादातर लिखी होती है jQuery के पुराने वर्जन्स में। खैर, अब थोड़ा रुक मोड़ते हैं इंडिया में फ्रेमवर्क्स के स्प्लिट की ओर। पर यह बता दूं कि हमने इस एनालिसिस के लिए jQuery को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि फिर सिर्फ jQuery और jQuery ही देखती, दूसरे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, React, Vue और AngularJS इंडिया के साइट्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और हम अब इन तीनों फ्रेमवर्क्स के फील्ड परफॉर्मेंस यानी कि रियल यूजर मेट्रिक्स का थोड़ा सा इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे। हमने GSAP, Handlebars और RequireJS को इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये पूरी तरह से फ्रेमवर्क्स नहीं है, बल्कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं, और ये कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में भी मदद नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले सेक्शन में हम कोर वेब वाइटल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे अपने एनालिसिस के लिए, और अगर आपको इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो आप इस लिंक से थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जानना है कि कैसे दुनिया की नामी कंपनीज को कोर वेब वाइटल्स की मैट्रिक्स को अचीव करने से उनके बिजनेस में मुनाफा हुआ, तो आप मेरी गूगल आईओ की टॉक द बिजनेस इंपैक्ट ऑफ कोर वेब वाइटल्स पर निर्धारित इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंडिया में रिएक्ट की परफॉर्मेंस को। कोर वेब वाइटल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर दुनिया भर के कंपैरिजन में देखा जाए तो बुरे स्तर पर इंडिया LCP में तीसरे, FID में छठे और CLS में पांचवें स्थान पर है, और वहीं अच्छे स्तर पर जहां FID और CLS दोनों में तीसरा स्थान मिला है इंडिया में, वहीं LCP के लिए तो इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है। ये डेटा साफ दर्शाता है कि इंडिया में रिएक्ट को यूज करने वाले डेवलपर्स उच्च स्तर की ऑप्टिमाइज साइट्स बनाने में असफल रहे हैं। पर मजे की बात तो यह है कि इंडिया में यही हाल बाकी के टॉप फ्रेमवर्क्स का भी है। टॉप 3 फ्रेमवर्क्स की बात करी जाए तो ये रहा एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों React, AngularJS और Vue का तीनों का तकरीबन सेम ही परफॉर्मेंस है तीनों कोर वेब वाइटल्स की मैट्रिक्स को मेजर करने जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? हम सब जो सोचते हैं कि ये फ्रेमवर्क बेहतर है दूसरे से, वो एक्चुअली में पूरी तरह से सही नहीं होगा। किसी भी साइट की सक्सेस का नुस्खा उसकी सही इंप्लीमेंटेशन और ढंग से ऑप्टिमाइजेशन करने में ही है। अभी के कंपैरिजन के हिसाब से तो इंडिया की ज्यादातर साइट्स बाहर की साइट्स के मुकाबले किसी भी फ्रेमवर्क में अपनी ऑडियंस टाइप के लिए ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरह का बाहर की दुनिया से कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि ये रियल यूजर डेटा है और इंडिया में नेटवर्क और डिवाइसेस दोनों ही कम स्तर की हैं अगर बाहर के मुकाबले किया जाए तो। पर इसी सवाल में आपका जवाब भी छिपा है।
आपको अपने ऑडियंस टाइप और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपनी साइट्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और वो करने के लिए आप कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं ये मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स आपकी साइट के डिजाइन रिक्वायरमेंट्स और उसमें कुछ चीजें करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क सही से इंप्लीमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है ये देखना आपको जरूर पड़ेगा। बट ओवरऑल ये कहना कि ये फ्रेमवर्क उस फ्रेमवर्क से खराब है या बेहतर है ये पूरे तरह से सही नहीं होगा। आपको उस फ्रेमवर्क में चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए बस। तो मेरी मानो इस पीयर प्रेशर में आकर हर महीने फ्रेमवर्क बदलना छोड़ो और किसी भी एक मॉडर्न कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क में अच्छे से महारत हासिल करके ढंग से साइट को ऑप्टिमाइज करो। गूगल की web.dev साइट पर काफी सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे इसी तरह के ऑप्टिमाइजेशन को ढंग से करने के लिए। यहां पर React और Angular जैसे मॉडर्न और काफी फेमस फ्रेमवर्क्स के लिए डेडिकेटेड सेक्शंस भी हैं, और काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए काफी सारे फ्रेमवर्क से जुड़े फिक्सेस और सजेशंस कई आर्टिकल्स के अंत में शेयर किए जाते हैं। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टिम और हुसैन और उन कई सारे वेब एल्मनैक के कंट्रीब्यूटर्स का जो कि अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च कम्युनिटी से शेयर करते हैं हर साल। मुझे इस टॉपिक पर काफी प्रेरणा और मदद यहीं से पढ़कर मिली और मैं तब ही ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ला पाया। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस लिंक को बुकमार्क कर लें और अच्छे से डिटेल में पढ़ें। यहां पर इस रिकॉर्डिंग के वक्त 2019 और 2020 दोनों ही का डेटा और इनसाइट अच्छे से अवेलेबल है। मैं आभारी हूं क्रोम टीम का जिन्होंने इस इंटरनेशनल मदर्स डे के अवसर पर दुनिया भर के विपरीत भाषा बोलने वाले डेवलपर्स के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया, और आशा भी करता हूं कि आप सभी को जो कि हिंदी भाषा बोलते हैं उनको ये कंटेंट यहां देखकर काफी खुशी हुई। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड काफी मजेदार लगा होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।